कितनी दूर किनारा आज अशकों में बहे जाते हैं टूटे सपने और ये दिल की जलन किससे फरियाद करे कौन सुने दिल की जुबान है ये बेदर्द जहां हम दिल किस से कहें। दान सिंह जी ने ऐसे मशहूर गानों को संगीतबद्ध किया जिनको हम आज भी गुनगुना लेते हैं। जिक्र होता है जब कयामत का दिलों की बात होती है तू जो चाहे तो दिन निकलता है तू जो चाहे तो रात होती है। तेरे प्यार का गम एक बहाना सनम। आपके वक्त में फैसा फैस थे, साहिल उद्यानवी थे, मजरूर सुल्तानपुरी थे, इन लोगों से आपके कैसे संबंध रहे, इनके कुछ अनुभव बताएंगे? मैं तो इनका सबका मुरीद था क्योंकि मैं जयपुर एक ऐसी रियासत रही है यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे उर्दूदान भी रहे हैं, शायर भी रहे हैं, इसलिए मैं उन शायरों से मुतासबत रख करके और मैं साहिर साहब से दिल्ली में भी मिला था, मजरू साहब से भी मिला था और बात है कि शकील साहब से भी मिला था वहाँ, और लेकिन जबान भी इनकी इतनी सलीस थी और बड़े मौजू किस्म के आदमी और कलाम का तो फिर कहना ही क्या है, साहिर साहब का मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, उनका तो कोई मिसाल ही नहीं है। खेमचंद प्रकाश जी आपके गुरु थे, उनके साथ अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएंगे? उसके अंदर तो सबसे बड़ी बात गुरुजी के अनुभव की बात है साहब, उन्होंने कहा एक ही राग के अंदर यमन और यमन कल्याण के अंदर पूरी पिक्चर ख़त्म कर दी साहब, उन्होंने दूसरा राग का स्वर ही नहीं लिया और इतनी अच्छी ऑर्केस्ट्रेशन मेलोडी वगैरह की है गुरुजी ने कि आएगा आने वाला आज भी सुनिए और आज के बातें के लोग 50 साल से सुन रहे हैं और 50 साल से सुनकर भी अभी तक तबीयत नहीं भरी, अभी इस गाने की सबसे बड़ी इससे बढ़कर क्या खूबी होगी। आप माई लव के अलावा और कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया? मैंने साहब भूल न जाना के अंदर भी मैंने म्यूजिक दिया साहब, और एक तूफान पिक्चर थी उसके अंदर भी मैंने म्यूजिक दिया, और एक पिक्चर थी बात है मतलब भी उसके भी दो गाने मैंने टेक किए थे लेकिन वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई। इस तरह बात है कि जो कुछ टोटल बात है कि 5-7 पिक्चर 5-1 पिक्चरों के अंदर म्यूजिक दिया। कई ऐसी बहुत अच्छी फिल्में थी जो आपने बनाई लेकिन वो डिब्बों से निकल नहीं पाई, रिलीज नहीं हो पाई, जैसे भूलने जाना, तो उनके कारण क्या रहे? सब भूलने जाना सब बात है कि ये पिक्चर चाइनीज एग्रेशन के ऊपर बनी थी, इतनी बढ़िया पिक्चर बनी थी, आप ये देखिए कि उसके आपने शायद वो गाना मेरा सुना होगा गमे दिल किससे कहूँ कोई भी गमखार नहीं, इसने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस गाने ने, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पिक्चर को देखा, अपनी राय ये दी कि वी आर गोइंग टू मेंड आवर रिलेशंस विद चाइना देयरफॉर वी डोंट अलाउ यू टू रिलीज दिस पिक्चर, आर्मी वालों ने मना कर दिया इससे पिक्चर रिलीज दी, वरना ये पिक्चर रिलीज होती तो मुझे बहुत कुछ इससे काफ़ी आशाएं थी क्योंकि मैंने उसके अंदर एक बहुत बढ़िया गाना मैंने मन्ना डे से गवाया था, वही है जवां खून की आजहारा उठो हिंद की इस जमीन पुकारा, वही है जवां खून की आज धारा उठो हिंद की सरजमीन पुकारा, ये धरती है सबसे बड़ी माँ हमारी, यही जिंदगी है यही जहाँ हमारी, सुहागन का कंगन हो इस पर निछावर के राखी का बंधन हो इस पर निछावर के मां अपनी ममता के मोती लुटाए वतन की ही हिफाजत के सामान जुटाए और बलिदान ही आज मजहबा हमारा उठो हिंद की सरजमीन पुकारा, वही है जमा खून की आज धारा उठो हिंद की सरजमीन पुकारा। कभी खरज के अंदर चली गई तो कभी तार के अंदर चली गई, ऊपर चली गई तो तार में चली गई, खरज में चली गई तो नीचे चली गई। गालीबाजी का भी जयपुर में जो गालीबाजी बड़ी मशहूर है अजी साहब, गालीबाजी को भी मुझे शौक हो रहा है
उनके भी इधर अजय सुन साथण मारी पीव बड़ो छे पाजी, सुन साथण मारी पीव बड़ो छे पाजी, कई बर्दीनो समझाए ने छोड़े ना गाली बाजी, अजी सुन साथण मारी गाली बाजी। और क्लासिकल संगीत में इसमें क्या इसमें साहब इसमें क्लासिकल संगीत भी है, इसमें रिदम की बड़ी फुर्ती, रिदम की कटिंग है इसमें। आपने फिल्मों में इतना मधुर संगीत दिया और वो गाने बहुत लोकप्रिय भी हुए, इसकी सफलता के पीछे आप क्या समझते हैं? इस सफलता के पीछे मैं एक ही बात आपसे कहूँगा कि कुछ लोगों की दुआएं काम आ गई, वरना मुझे तब तक काम ही नहीं आया। मैं खुद सोचता हूँ कि हो कैसे गया, मन चाहता किसी को मिलता भी नहीं है, और अगर मिल भी जाता है तो उसकी आप कितनी बड़ाई करेंगे। मौजू नहीं है जिंदगी, जिंदगी के कितने ऐसे पहलू हैं जिन पर कभी आदमी उदास होकर रह जाता है, कभी खुश होकर रह जाता है, हाथ कुछ नहीं आता, पर लास्ट के अंदर एक ही चीज़ रह जाती है कलाकार के लिए कि जो गत में उसने अच्छा काम किया है उससे लोगों की बातें सराहना मिलती रहे, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, लोग खुश रहें, बस यही। दिल की ये जलन काबिले इजहार नहीं, चुप कर रहना है यहाँ कि तकदीर के लिखे को तदबीर क्या करे, तकदीर के लिखे को तदबीर क्या करे, और तट पर जो डूबे नाव तो बंदा भी क्या करे। तूफानों ने हाथ बढ़ाए, जीवन नैया डूबी जाए, एक चलने की खातिर बंदे नाव बनी मझधार, नाव बनी मझधार, नाव बनी मझधार। पंख लगाकर अंबर देखो, अरमानों के मंजर देखो, पहला पहलू सबने देखा, सिक्का पलट के दूजा देखो, यादों के तराने कई हैं।